मैडम मैडम वो बर्गर मत खा मैडम मैडम पागल हो गया मेरे बर्गर गिरा दिया। मैम साहब आप पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं हां क्या सुनूं मैं तेरी बात, तुम्हें अभी दिखाती हूं रुक। वसीम वसीम क्या हुआ, ये बर्गर नीचे कैसे गिर गया? इस भिखारी ने मेरा बर्गर गिरा दिया। मैम साहब साले तुझे अगर बर्गर खानी थी तो तू मुझसे मांग लेता, इसे नीचे गिराने की क्या जरूरत थी? मैम साहब आप पहले मेरी बात तो सुन लो। तेरी बात तो मैं सुनता हूँ। क्या कर रहे हो आप, क्यों मार रहे हो आप लोग? भैया आपको पता है इसने मेरा बर्गर गिरा दिया और तो और मुझे चप्पल फेंक के मारा और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा था। देखिए मैडम मैं नहीं जानता हूँ, यही पास के बिल्डिंग में जो ऑफिस है ना उसमें ये साफ सफाई का काम करते हैं। मानता हूँ इनकी दिमागी हालत थोड़ा खराब है पर ये ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओ भाई साहब ये मैडम कह रही है तो इसने कुछ तो किया होगा ना, और ये झूठ तो नहीं बोली होगी। और वैसे इससे तो आप एक मिनट रुकिए, मैं इनसे बात करता हूँ। भैया आप बताइए क्या ये मैडम सच बोल रही है? हाँ क्या आपने सच में ऐसा काम किया? हाँ भैया मैंने सच में ऐसा काम किया है, मगर ये मैंने बस इसलिए किया था क्योंकि ये भैया ने उस बर्गर में जहर मिला लिया था और इस मैडम को मारना चाहते थे। क्या ये पागल कुछ भी बके जा रहा है? हाँ बेबी ये झूठ बोल रहा है, भला मैं क्यों मारूंगा अपनी बीबी को, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ये ऐसा क्यों करेगा, तो पागल हो गया है क्या? नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा भरोसा कीजिए, इस भैया ने जहर मिलाया था, वैसे वो बर्गर एकदम साफ पड़ा हुआ है। आप एक काम कीजिए वो बर्गर उठा के आप खाइए, खाना छोड़िए आप उसे चख भी लेंगे ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है। अरे अरे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, अरे मैं ये नीचे गिरा हुआ बर्गर नहीं खाऊंगा। और ये क्या तरीका हुआ सच्चाई साबित करने का, आप एक बार बर्गर खा के तो देखिए। नहीं मैं ये बर्गर नहीं खाऊंगा। खा लो ना बेबी, अगर तुम सच्ची हो तो खाने में क्या दिक्कत है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, खा लो प्लीज। नहीं हाँ तो खा लो, तू अगर सच में इसे प्यार करता है तो ये बर्गर खाने में क्या प्रॉब्लम है? और तू ना इस बर्गर के ही चक्कर में ना इस बेचारे पे हाथ उठाया, ये बर्गर तो तुझे खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं खाई नहीं मैं खाई से नहीं, ये सब जहर है। आज तो ये पिंकी के जिंदगी का आखिरी बर्गर होगा, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और उसके बाद उसका सारा पैसा भी, अब वो हो जाएगी इस दुनिया से अलविदा। बेबी ये लो ये तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आता हूँ। अब बता क्यों मारना चाहता था अपनी बीबी को? क्योंकि क्योंकि ये भी मुझे मारना चाहती थी। हाँ वो मेरे और वसीम के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी थी ना सारे केसेस क्लियर हो गए और पैसा भी आ गया। हाँ हाँ मैंने सारे पैसे रख लिया है, यू डोंट वरी मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगी और उसे जान से मार डालूंगी, और उसके बाद तो हम दोनों शादी कर लेंगे, मैंने सारी प्लानिंग करके रखी है। अच्छा चलो अब वो आ जाएगा। हाँ मैं रखती हूँ। इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया था? हाँ हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया था और फिर मैं ये डिसाइड किया कि तुम मुझे मारो उससे पहले मैं तुझे मार दूँ। कैसे लोग हो तुम दोनों, हाँ पैसों के लिए तुमने प्यार को भी नहीं छोड़ा। छी तुम दोनों के लिए सिर्फ एक ही जगह बनी है वो भी जेल। अभी थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी, अब वही डिसाइड करेगी कौन गलत है और कौन सही, समझे? और तू तो चाहता तो पुलिस के पास भी जा सकता था ना, लेकिन नहीं तू अपना गलती छुपाने के लिए इस बेचारे पे हाथ उठाया। तुम दोनों पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ठीक